हसीन मंजर और साथ खतरनाक सफर। हम निकले हुए हैं नॉर्दर्न एरिया घूमने के लिए। हिलते जुलते गाड़ी में हमारा सफर जा रही है जहाज बांडा की तरफ। और ज़रूरी तो नहीं जहाँ आप घूमने जाएं पता हो आपको रास्ते कैसे होंगे, टाइम कितना लगेगा, किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ना मालूम हो तो फिर आप कुछ ऐसा फील कर सकते हैं, तो मेरी हालत फुल टाइट हुई है, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ। तो फ्रेंड्स, व्लॉग में साथ साथ आपको बताता जाऊँगा जहाज बांडा जाने के लिए आपको लोग इन किन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि थल में हमने नाश्ता किया, हम निकले हैं, तो गाड़ी आपने 4x4 करानी है। सफ़र हमारा तकी बांडा तक होगा और आगे फिर हमारी ट्रैकिंग होगी, पैदल जाएंगे कैंप लेने, और ड्राइवर और गाइड के फ्रॉड करने के लिहाज से भी आपको वीडियो में साथ साथ बताएंगे। तो व्लॉग आप हमारा स्टार्ट है आगे। जहाज बांडा जाते वक्त ड्राइवर के घर में लगे हुए हैं सेब, हमने वहाँ से भी सेब वगैरह तोड़े हैं। अभी हम जा रहे हैं आगे जहाज बांडा, तो मिलते हैं आगे। रास्ते में एक जगह है गुलशेर, अभी हम वहाँ पहुँचे हैं, अब हम आगे जाएंगे। तो अभी सफ़र बाकी है। अभी हम टकी बांडा पे पहुंच चुके हैं, अब हम आगे जहाज बांडा की तरफ जाएंगे। तो अब ये जो सफ़र है हमें पैदल तय करना है, हम आगे अपनी सफर की तरफ। और हाफ पेमेंट पर ड्राइवर से डील होती है कि नेक्स्ट डे हमें यहाँ से लेके जाएगा, लेकिन वो नहीं आता और फिर मजबूरी आपको दूसरे ड्राइवर से इजाफी पैसे देकर चूना लगवाना पड़ता है, और गाइड अपनी मकामी जबान इस्तेमाल करते हुए आपको मजीद चूना लगाता है। होशियार रहें। तो अभी रास्ते में थोड़ा सा हमने रेस्ट किया है, रेस्ट भी ज़रूरी है, ज़्यादा चलते रहेंगे तो थक जाएंगे और थकना नहीं है। तो यहाँ के हालात कुछ ख़ास अच्छे लग नहीं रहे, जाके देखते हैं अब। हम पहुँच चुके हैं जहाज बांडा में, तो अभी हम जहाज बांडा में हैं। तो यहाँ का सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहा और थका देने वाला भी रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे आने में, तकरीबन 2 घंटे लगे हमें पैदल चल के आने में यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे जहाज बांडा में हैं, काफ़ी खूबसूरत मौसम है यहाँ का और काफ़ी खूबसूरत और दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हमने कैंप ले लिया है, तो अब हम रात यहाँ पर करेंगे। मैं इस टाइम अपनी कैंप में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे सीज़न जब स्टार्ट हो जाता है टूरिस्ट वगैरह का, तो फिर यहाँ पे कैंप वगैरह और कस्टम काफ़ी सारी चीज़ों की मुश्किलात वगैरह आती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी खासी बार्गिंग करनी पड़ती है इनके साथ। और इसके अलावा ये सफ़र भी आपको काफ़ी थका देता है, क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी खाड़ी बढ़पड़ नहीं हुई, तो इस वजह से यहाँ पर सफ़र करना भी काफ़ी मुश्किल आती हैं, काफ़ी सारी इशूज़ हैं, फिर भी इंजॉय करते हैं यहाँ के।